आज मैं आपको एक अलग ही टॉपिक पे, मतलब हमारा जो कि आर्थिक परिस्थिति है, हमारे आर्थिक परिस्थिति पे मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं आपको जो चाइना है, चाइना के जो प्रोडक्ट है, चाइना कैसे डोकलाम में, पहले डोकलाम में दादागिरी दिखाया, अभी जो लद्दाख में दिखा रहा है, उसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें अगर आगे बढ़ना है इस कोरोना की महामारी के दौरान, ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम हमारे भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, हमारे भारत को 5 से 5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे बनाएं, उसके बारे में जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो उस को ग्लोबली कैसे तो ब्रांड बनाए, हमारे प्रोडक्ट को भारतीय बनावट वाली वस्तुओं को भारतीय, भारत में जो बनने वाली प्रोडक्ट है, मशीनरी है या कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवाएँ हो, उसे कैसे ग्लोबली ब्रांड बनाया जाए, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जो चाइना को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं कि हम अभी मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी एक ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग और कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूँ। मेरे पास भी कुछ चाइना के मटेरियल आते हैं, अभी फिलहाल मेरे पास शॉप में भी है, पर जैसे कि सोनम वांगचुक जो लद्दाख के हैं, उन्होंने भी कहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई हम चाइना को अभी सबक सिखा सकते हैं कैसे, तो मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ सोनम वांगचुक का, कि जैसे हम जो अपने जो हम इंडियन है इंडिया के जो लोग हैं वो सब मोस्टली 80% ऑफ चाइना की गुड्स हमारे घर में रहती है, ऑफिस में रहती है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और उसकी ऐप्स है और अलग अलग प्रोडक्ट, लड़कों की गैजेट्स, लड़कों के गैजेट्स, वॉचेस और जो भी टॉयज़ वगैरह है, वैसे वो जो इलेक्ट्रिकल का सामान है वैसा सब मोस्टली 80% ऑफ चाइना से आता है। और हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने होंगे जो कि इंडिया में अभी फ़िलहाल नहीं बन रहे हैं और मोस्टली चाइना से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, वैसे प्रोडक्ट हमें जो कि मोस्टली उसका उपयोग किया जाता है, वैसे प्रोडक्ट हमें इंडिया में बनाना होगा, उसका प्रोडक्शन करना होगा। वो प्रोडक्शन करने के लिए अभी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया है, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी एक या दो महीने में नहीं हो सकता वैसा, उसके लिए 3-4-5 साल देने होंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा कर सकेंगे। और उसकी दिशा में उन्होंने जो भारत सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गाइडलाइन दी है, उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को, अपने इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट को, इंडिया में बनने वाले और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, ऐसे जो दोनों प्रोडक्ट है उनको हम लोग, जैसे कि उन्होंने कहा है लोकल को वोकल बनाना होगा, वो कैसे बनाया जाए, वो बनाने के लिए हमें उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चालू करना चाहिए, वैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, वैसे प्रोडक्ट का,
तो हमारी हमारी भी आमदनी बढ़ेगी, हमारे कंपन हमारे देश में बनने वाली जो वस्तुएं है उसका खपत ज़्यादा होगा तो उनको मुनाफा होगा, तो हमारे ऑब्वियसली हमारे देश का मुनाफा बढ़ेगा और उसकी जीडीपी बढ़ेगी और उसका उपयोग होगा, तो हमारी करेंसी जो है वो जो प्रॉफिट है वो इंडिया में रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इंडिया में से ही वर्कर लगेंगे तो उनको भी रोज़गार मिलेगा, पैसा सब होगा तो हर एक का जो है वो सपना पूरा होगा, आर्थिक परिस्थिति बदलेगी तो सुधरेगी और हम वैसे प्रोडक्ट तैयार करने के लिए अभी आगे आना चाहिए और आगे जैसे जैसे आएंगे उसके लिए हमें हमें हमारे प्रोडक्ट में जो है वो जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं बनाने के लिए उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसका कॉस्ट भी कम होगा और कॉस्ट कम होने और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से कुछ ये नहीं है बल्कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए और क्वालिटी और प्रोडक्शन रहेगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली और प्राइस प्राइस भी कम रहेगा, डेफिनेटली यूज़ करने वाला मतलब जो भारतीय है और जो विदेश में भी यूज़ होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा और प्राइस कॉम्पिटिटिव क्वालिटी भी होगी तो डेफिनेटली उसको जो है वो हमारा प्रोडक्ट का जो सेल भी ज़्यादा होगा, इसलिए हमें प्रोडक्शन क्वालिटी प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस और उसके बाद में बिकने के बाद में जो सर्विस देनी पड़ती है ग्राहक को, जो सर्विस देनी पड़ती है वो भी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट और जेन्युइन सर्विस देनी पड़ेगी तभी हम चाइना को सबक सिखा पाएंगे, चाइना को हम सबक सिखा पाएंगे। और ये जो है चाइना को सबक सिखाने के लिए हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्ट होता है, हम चाइना से इम्पोर्ट ज़्यादा करते हो और उसको माल बेचते कम है, ये कम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो घाटा है वो कम होगा तो डेफिनेटली हमारा ग्रोथ होगा और हम पाइप ड्रिलिंग की इकोनॉमी बनने में आगे बढ़ पाएंगे। ये सब पे ध्यान दे के सब सब ने मेरी ये विनती है कि हम एक निश्चय करें, हम सब भारतीय मिलकर एक निश्चय करें कि हम इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए और इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम इंडियन प्रोडक्ट और मेक इन इंडिया वाले और मेड इन इंडिया वाले ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हाँ, ये हम एक निश्चय करना चाहिए और ये निश्चय भी हमें आज से ही चालू कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन आज से ही चालू कर देना चाहिए। जब हम ये निश्चय करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर इसमें कुछ आपको कुछ मतलब आपका अगर किसी का अगर मन दुखा हो या तो फिर मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरा क्या किसी का मन दुखाने का इशू नहीं है, लेकिन मैं खाली चाइना के प्रोडक्ट के बारे में ये करके उनके विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको जो चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना की जो पॉलिसी है मतलब किसी के भी ऊपर रूल करना, मतलब कि जो अभी हम देख रहे हैं हर एक सीमा के जो चाइना की सीमा है उसके आजू बाजू में उसका तनाव चालू है, ताइवान में भी वैसा ही है और हमारे रिश्ते भी डोकलाम। और ये चाइना की पॉलिसी क्या है कि
वो किसी के भी एरिया में घुस के उसके जो दूसरा देश है उसके ऊपर हावी होना चाहता है, और हावी होके उसको पहले कर्जा देगा, कुछ देगा, वो नहीं मानेगा तो फिर उसको वो युद्ध की ये करता है, कर्जा देके उसको वो अपने दबाव में लेके उसके ऊपर रूल करता है, और उसकी जो इकोनॉमी है उसको ये कर देता है, और अपना हुकुम चलाता है वहाँ पे। ऐसी पॉलिसी उसको उसकी है, इसीलिए मैं चाइना के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चाइना की पॉलिसी के खिलाफ जरूर हूँ। और हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाइना के प्रोडक्ट या फिर चाइना को सपोर्ट करते हैं, पर उन्होंने ज़रा देश के बारे में भी, अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के देश के बारे में भी सोचना चाहिए, और जहाँ पे जरूरत है वहीं पे पॉलिटिक्स की जाए, और जहाँ देश का सवाल हो तो वही देश की बात ही की जाए और देश को सपोर्ट किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो मुझे लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपको अलग अलग विषयों पे, अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी देते रहूँगा। थैंक यू सर।